ये शनिदेव की पूजा परिपूर्ण हो गई है, पापों से मुक्त होइए, सर्वदा सुखी रहिए, प्रभु शीघ्र ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करे, शुभ समाचार सुनावे। हेलो ज्योति, मैं बोल रही हूँ, कुसुम। दीदी आई, मामा, दीदी के फोन है, जल्दी आइए। कुसुम 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 दीदी, हो कहाँ हो, कमाल कैसे हो? अरे बाबा, इतने सवाल एक साथ, बताती हूँ, ठहरे तो सही। ये बताओ, आई कहाँ है? आई तो यही है, लेकिन आप हो कहाँ? मैं अपने घर पे हूँ। अरे वो ठीक तो है ना? हाँ, बस हम लोग आ रहे हैं दीदी, अभी पहुँच रहे हैं। ओके। आई दीदी, मिल गए, हम घर पर आ गए, हम लोग मिलने चल गए। हाँ चलिए। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए। हवलदार, पूरा कमरा अच्छे से सर्च करो। एक बैग ईशा, क्या दूसरा यहाँ? सोनिया का टिकट और पासपोर्ट। तुम मेरे साथ आओ। ओ, ये तो जख्मी है। सर, तो बेहोश है। हवलदार, फौरन एम्बुलेंस बुलाओ और इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। जी। ये सब क्या हो रहा है? मैं घर जाकर देखता हूँ। ये बहुत भाग्यशाली हैं जो अभी भी सही सलामत हैं। इतना मेजर इंपैक्ट होने के बाद भी ना तो ब्रेन में कोई कंकशन हुआ है और ना ही फीटस को कोई नुकसान। बच्चा एकदम सही सलामत है। अच्छा, अब मैं चलूंगा। वैसे भाभी, एक मिनट, हाँ, हम आपके साथ बात तो कर सकते हैं ना? जस्ट किडिंग। आप हमें ये बताइए कि आप थी कहाँ, वहाँ पहुँची कैसे और कैसी थी आप? जस्ट एनलाइटन अस। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले भाभी। स्टॉप इट तान्या। भाभी, आर्यमन ने हमें आधी कहानी तो सुनाई है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताइए आप। सबसे पहले तो मैं सुवर्णा मौसी के पास थी बाड़ा में, फिर उसके बाद बाबू भाई के कहने पर हम शिफ्ट हुए और फिर अजय मामू के दोस्त के बंगले में थे और फिर और तो उसके बाद डीके के घर और फिर वापस यहाँ घर पे। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक लड़की है सोनिया जुड़वा के नाम से जो अमेरिका से आई है, वो कुसुम को मारना चाहती थी और कुसुम को मारने के लिए उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वो तो कुसुम का प्रेजेंस ऑफ माइंड था जो हम दोनों यहाँ पर हैं। एवरीथिंग्स ओवर नाउ। ये कहानी कुछ फेटल अट्रैक्शन जैसी नहीं लग रही है? नहीं नहीं, मुझे तो वाइल्ड थिंग्स जैसी लगती है। नहीं मामा, ये कुछ हमारी स्क्रिप्ट जैसी नहीं है। रूही, तुम भी कभी-कभी बेवकूफों जैसी बातें करती हो। हमारी फिल्मों जैसे कैसे हो सकती है? वो सोनिया वहाँ अमेरिका रहती है, हमारी फिल्में कैसे देख सकती है? हाँ, हो सकता है उसने हॉलीवुड फिल्म देखी हो और वहीं से उसे इंस्पिरेशन मिला हो। थोड़ी से नहीं किता। क्यों, इस कहानी का क्लाइमैक्स बिल्कुल हिंदी फिल्म की तरह इंटरेस्टिंग है। भाई, हमारे तो हीरोइन वापस आ गई और पैसे भी वापस आ गए। कुसुम आई, ठीक हो ना कुसुम? आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सब क्या, ये चोट? ईश्वर की दया है बेटा कि तू सही सलामत वापस आ गई। मैंने तुम्हारे लिए कितनी मन्नतें मांगी थी, शनिदेव की पूजा रखी थी बेटा मैंने। ये लो प्रसाद। कैसी है? ठीक हो? सबकी जान निकल गई थी। ये तो बता, हुआ क्या था? शशांक बेटे, अभी सब बच्चे यही बातें कर रहे थे। और शशांक, हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुसुम हम सबके बीच में है। बेटा, तुम्हारी इतनी चिंता हो रही थी, न जाने कैसे बुरे बुरे ख्याल मन में आ रहे थे। पता नहीं अभय और ईशा के बारे में हमने क्या सोच ली, यहाँ तक कि अभय तो घर छोड़कर चला गया था, ये कहकर कि जब तक कुसुम नहीं आएगी वो घर में नहीं आएगा।
मैम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हारी जगह और कोई होता तो ये सोचते नहीं करता। सोनिया ने बातें कुछ ऐसे फैला दी। मैं भी उसकी बातों में आ गई थी तो वक्त पे कुसुम की इंट्यूशन काम आ गई। बेटा, शनिदेव की कृपा है कि तुम सही सलामत लौटे, यही हमारे लिए बहुत। ओह गॉड लाली, तुम क्या सुबह सुबह खटखट कर रहे हो? इतना खूबसूरत सपना तोड़ दिया। खूबसूरत सपना? किरण का गेस तुम क्या देख रही थी? पैसों से लगे पेड़ पर चढ़ी हुई थी या फिर रुपयों की बारिश में भीग रही थी? तुम्हारे लिए पैसों के अलावा खूबसूरत और क्या हो सकता है? वेरी फनी लाली, जानते हो सुबह के सपने कभी अनरियल नहीं होते। और पता है मैंने क्या देखा? क्या देखा? मैंने देखा कि मेरी फिल्म शहर के हर थिएटर, हर मल्टीप्लेक्स में लगी और सुपर डुपर हिट हो गई है। हाउसफुल ही हाउसफुल जा रहा है। वाओ ललित, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, इट वाज सो ब्यूटीफुल। 150 रुपए की टिकट 500 में बिक रही थी। ट्रेड मैगजीन से मेरी फिल्म को बॉक्स ऑफिस बोनांजा का। व्हाट अ ड्रीम। लेट मी टेल यू समथिंग निकिता, तुम्हारी वो फिल्म हिट या फ्लॉप तब हो सकती है जब वो फिल्म बनेगी। फिलहाल उस फिल्म का मुहूर्त भी नहीं हुआ है। वेरी फनी, वो भी हो जाएगा। फिल्म का प्लॉट तो मिल ही गया है, बस फाइनेंस अरेंज करने की देर है, फिर मुहूर्त भी हो जाएगा। अरे वो सूटकेसेस कहाँ है? फिलहाल इसी कमरे में, लेकिन बहुत जल्द अपनी सही जगह पहुंच जाएंगे। सही जगह? शिवानी की बैंक में। नहीं यार, ये गलत है। एक मिनट अभी देखो, वस्तु के हिसाब से तुम्हें इस कमरे में जो भी कुछ करना है ना, पहले एक बार इस किताब को अच्छी तरह पढ़ो, समझ लो, और ये जो डायग्राम है ना, इन्हें एक पेपर पे उतार लो। सुनना, तुम्हें नाश्ता बनाना है ना? जी जाओ, मैं भी आता हूँ। लेकिन अरे क्या रही मन यार, मैं अकेला क्या क्या उठाऊंगा। अभय सुनिए तो। हाँ कुछ मार रहा हूँ। अबे आप ही ना, सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गए? क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? ऐसा क्या मैं करूं, तू हंसे मैं हंसूं, तेरे लिए खुशियां ढूंढ के मैं लाऊं, तेरे लिए गाऊं मेरी कुसुम। छोटी मैडम। हाँ। आप अब तक तैयार क्यों नहीं हुई है? आज थोड़ी लेट हो गई, पर विश्व मैं आज ऑफिस नहीं आ रही हूँ। क्यों? आज मैं सारा दिन कुसुम दीदी के साथ पढ़ी। माय गॉड, कुसुम दीदी, ऑन फेवरेट, हैव फन। योर स्वीट सिस्टर सोनाली। हेलो, ओ हाँ मिस्टर पटेल, हाँ आपकी फाइल मेरे पास है। हाँ लेकिन आज तो मैं ऑफिस नहीं आ रही हूँ। ओके हाँ मैं भिजवा देती हूँ। ओके रेस्ट अश्योर, बाय। भूल गए। अच्छा पटेल की फाइल ले जाना। सोनाली। हेलो, गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग सोनाली। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस तैयार हो रहा था ऑफिस जाने के लिए।
आज शायद आपको देर हो गई ना? थोड़ी सी देर हो गई। विशु, नाश्ता करके नहीं जाओगे? नहीं, देर हो रही है। अच्छा सोना ली, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं तुमसे बात में बात। ओके? जी जी, लेकिन गुड डे, बाय। अब इस हालत में तुम्हें ज्यादा उठना नहीं है, इसलिए ये बैल लेके आई। कुछ भी काम हो तो बैल बजाना, कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है? अरे ये तो काम करता है। मैडम आपने बोला है? At your service. मैडम को नाश्ता खिलाओ और ध्यान रहे कुछ भी बचे नहीं। आपका हुक्म सर। हुक्म तो आप पहले क्या खाना या पीना चाहेंगे? हेलो 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 एवरीबॉडी, हेलो सर, दिस इज फॉर यू, गेट वेल सून। थैंक यू। वाओ, ये कमरा तो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। मैं तो ये समझ रहा था कि ये पूरा हॉस्पिटल बन चुका होगा सर। थैंक गॉड। हॉस्पिटल के नाम से एक एक बात याद आ गई मुझे। अभी जब मैं आ रहा था यहाँ तो मुझे दो चीटियाँ मिली, बहुत बेतहाशा परेशान भागी जा रही थी। मैंने कहा जा रही है? तो बोला मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। बोला कौन से दोस्त का? बोला गज्जू हाथी है मेरा, उसका एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है उसे, वो ब्लड डोनेट करने जा रही है। इसमें हंसने जैसी क्या बात है? चाहे चीटियों की ब्लड देने से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर चीटियों की भावना तो समझो। हाँ दीदी, ये बात आपने बहुत सही कही, भावनाएं। अब आजकल कौन किसकी भावना का ख्याल रखता है? ये अजय है ना, जिसको भी मिलता है अपने हाथी और चींटी के जोक सुनाता रहता है, पागल है बिल्कुल। अच्छा सुनो अभय, इंस्पेक्टर जोशी का फोन आया था, वो चाहते हैं कि हम दोनों पुलिस स्टेशन आए। हाँ, सोनिया पकड़ी गई है, वो अखबार में खबर छपी है आज की, लगता है शायद उनको तुम दोनों का बयान चाहिए होगा। माँ लेकिन मैडम का ब्रेकफास्ट मैं खा लूंगी। ठीक है, I'll just check. अजय तुम यहाँ बैठो और देखो ये पूरा नाश्ता कर ले, मैं मंदिर जाके आती हूँ। बेटा दस बेटा ठीक चलो हम जल्द आते हैं। चलो बाय। नाश्ता तो मैं कर दूंगी मामू। If you don't mind, क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल कर सकती हूँ? एक क्या दो पूछ सकती हो? मामू, आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? शायद इसलिए क्योंकि परफेक्ट वुमन नहीं मिली। परफेक्ट वुमन? परफेक्ट वुमन से एक जोक याद आ गया, आप सुनना चाहेंगे? सुना। एक बार एक 70 साल का आदमी एक 70 साल की औरत से पूछता है कि लेडी आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? तो लेडी बोलती है पता नहीं, आज तक कोई परफेक्ट मैन नहीं मिला। फिर उस औरत ने आदमी से पूछा और आपने शादी क्यों नहीं की? आदमी ने कहा 50 साल से ढूंढ रहा हूँ, अब तक कोई परफेक्ट वुमन मिली नहीं। फिर दोनों ने अपनी तलाश बंद कर दी, दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। पता है क्यों? क्योंकि परफेक्ट मैन या परफेक्ट वुमन जैसी चीज होती नहीं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज परफेक्शन के लिए स्ट्राइव करना पड़ता है। Yeah, you have a point. Yeah, have this now. क्या? तुम किस बारे में? मुझे अजय का जोक याद आ गया। वो पुलिस इंस्पेक्टर मुझसे इतना इम्पॉसिबल क्वेश्चंस पूछ रहा था, और इतने क्वेश्चंस पूछ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस बात का जवाब दूँ, किस बात का जवाब ना दूँ, क्या जवाब दूँ। मजे मामू को कब से जानते? 4-5 साल से। लेकिन ऐसा लगता नहीं है ना, अजय है ही ऐसा, बहुत अच्छा दोस्त। जब किसी को भी मिलता है ना, सबका अच्छा दोस्त बन जाता है, यही तो खास बात है उसमें। और तुम्हें भी ऐसा ही लगा था ना, तभी तो मुझे बताए बिना तुमने कुसुम को उनके घर छुपाया था। क्यों? हाँ बात ही कुछ है, सबका हौसला बनाए रखते हैं। I know. मैं उसके साथ बहुत
सेफ और सिक्योर फील करती हूँ। ईशा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए? अभय, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है ना? हाँ। तुम्हें नहीं लगता हमें चलना चाहिए? चल। एक बात कहूँ ज्योति, तुम यहाँ इस घर में वापस आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर ये सब हुआ कैसे? विश्व और मैं ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकते थे, और आंटी जी ने, उन्होंने चाची को मना लिया, बस सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। ग्रेट। अच्छा ये बताओ, सोनाली कैसी है? बिल्कुल ठीक। सोनाली ने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया? वही गई थी या फिर वो वहाँ जाए बिगर मानने वाली थी क्या? पर दीदी, वहाँ मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई और मैं जिमी के साथ वापस आ गई, और सोनाली और विशाल वो दोनों तो वहीं अटक गए थे क्योंकि उनकी लास्ट फेरी छूट गई थी। ये वही जिमी है ना? जिमी तोलानी? हाँ दीदी, बहुत अच्छा लड़का है और सोनाली को बहुत पसंद भी करता है। अच्छा, एक काम करना ना, सोनाली से कहना कि वो मुझे जिमी से मिला दे। ठीक है, कह दूंगी। अब है क्या सोच रहे? ये सोच रहा था कुसुम की कितने दिनों में क्या कुछ हो गया है ना? इतना कुछ हो गया, और जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के मैं भुला देना चाहती हूँ। अब है एक रिक्वेस्ट है, आइंदा इस टॉपिक के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ओके ओके बाबा ओके। लेकिन एक बात बता, तुम्हें तो कुछ हो सकता? मैं अजय मामा के बारे में सोच रही हूँ। यू नो अभय, आज मैंने उनका एक नया रूप देखा, अ डिफरेंट साइड ऑल टुगेदर, एक लविंग केयरिंग स्वीट फैमिली मैन। आपको नहीं लगता कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए? कुसुम, दिस इज अमेजिंग, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। अच्छा? हाँ, एक्चुअली मैंने ईशा से इस बारे में बात भी की थी। फिर उसने क्या कहा? कुछ नहीं, वो अजय मामू के बारे में बात कर रही थी, तो मैंने उसे कहा कि ईशा तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। फिर उसने क्या कहा? कहा तो कुछ नहीं, बस बात ही बदल गई। ना तो नहीं कहा ना? इसका मतलब हम दोनों का सोचना एक ही, ना तो अजय मामा ने इनकार किया और ना ही ईशा ने इनकार किया। बात क्या है? और आपने एसी ऑफ क्यों किया? वाह, मुझे ठंड लग रही। लेकिन अब है, आपको तो पसीना आ रहा है। कसम, मैंने कल बहुत बुरा सपना देखा, तुम मेरे साथ नहीं हो। अब है, वो एक सपना था। रिलैक्स, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। I promise. अब मेरी आँखों में मीठे मीठे अब है, अब मेरी आँखों में मीठे मीठे अब है, अजनबी राहों में दुनिया की बाहों में खिलती हूँ हर मीठे मीठे अब है।
चले बिना